देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। हरदा जिले के टिमरनी नगर में आदिवासी दिवस के उपलक्ष में आदिवासी छात्र संगठन के अंतर्गत नगर में रैली निकाली गई और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विज्ञापन में आदिवासी छात्रों ने टिमरनी ब्लॉक में बिरसा मुंडा मूर्ति स्थापना की बात कही। मुख्यमंत्री जन कल्याण समर योजना के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय में निःशुल्क प्रवेश तो मिल रहा है और अन्य सुविधा को बंद कर दिया, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है। ऐसे प्रकार के ज्ञापन में पांच बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग, हरदा जिले के कलेक्टर, तिमरनी विधानसभा के विधायक को पत्र भेजा गया। खबर समय जगत के लिए देवेंद्र चावड़ा की रिपोर्ट। परंतु अफसोसजनक बात यह है कि छात्र छात्राओं के, विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल का नेता नगर भर में सामने नहीं आया। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? आदिवासियों के लिए, हरिजन आदिवासियों के लिए जो बड़ी बड़ी घोषणाएं दिखावे इस बात को देखते हुए साबित होती है, और आदिवासियों का, हरिजन आदिवासियों का, गरीबों का संगठित रहना इसलिए बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है। सर, आज हमने अनुसूचित जाति जनजाति की समस्या को लेकर विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष में टिमरनी नगर सूर्य टावर सिनी मार्केट होते हुए एसडीएम कार्यालय तक विशाल रैली निकाली गई है। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति की विभिन्न मांगों को लेकर यहां पर एसडीएम की अनुपस्थिति में आरएस साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की जा रही है करीब 3 वर्षों से कि टिमरनी नगर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाए। यह आदिवासी बहुल क्षेत्र आता है इसमें, और जिसके बाद बिरसा मुंडा की भी प्रतिमा स्थापित करने की मांग की जा रही है। और मुख्यमंत्री जन कल्याण संपाल योजना, जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा, जो योजना जो चलाई है, इसका सही तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति को, लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। कॉलेजों में तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलना बंद करवा दी गई, और एडमिशन तो फ्री मिल रहा है। इससे पहले भी सरकार थी, उससे पहले भी जीरो पे एडमिशन होता था और छात्रों को पूरी पूरी स्कॉलरशिप दी जाती थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि कभी ये 20 अगस्त तक कभी ये मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत कभी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देना कभी चालू नहीं किया तो प्रदेश स्तर तक 20 अगस्त को प्रदेश स्तर तक आंदोलन भी किया जाएगा, प्रदेश सरकार का घेराव भी किया जाएगा। और इसमें 28 जिलों के पूरे अनुसूचित जाति जनजाति के संगठनों के माध्यम से इसे विधानसभा का घेराव का भी हमने निर्णय लिया है। यदि मुख्यमंत्री जी इस निर्णय को कभी अभी 20 अगस्त तक वापस नहीं लेते हैं तो हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। और टिमरनी नगर में भी यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक कुंवर संजय शाह जी है और एक आदिवासी विधायक है, जिसके बाद भी हमने उनको 3 बार विधायक जी को ज्ञापन दिया है कि अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित कराए। हमें हर साल हरदा जाना पड़ता है रैली के माध्यम से, और यहाँ पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर के लोगों को काफी दिक्कतें आती है, इसलिए हमें हरदा जाना पड़ता है। और विधायक जी की भी कड़ी निंदा करता हूँ कि उनको एक आदिवासी विधायक पर उनका अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति, उनके प्रति 1% भी स्वभाव नहीं है। इसे मीडिया से निवेदन करूंगा कि इस बात को लेकर वो राज्य शासन तक पहुंचा। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।